तो योग का पूरा सिस्टम इसी पर केंद्रित है। एक ऐसी सरल तकनीक है जिससे आप मन को स्पष्टता की एक विशेष स्थिति में रख सकते हैं। फिर आपको मन को फोकस करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मन में स्पष्टता ही होगी। देखिए, जहां आपकी डिजायर है वहीं आपका मन होगा, है ना? ऐसा है या नहीं? आप इसे हिंदी में क्या कहते हैं? जहां आपकी डिजायर है वहीं आपका मन है ना? डिजायर को क्या कहते हैं? इच्छा। तो जहां भी आपकी इच्छा होगी वहीं आपका मन होगा। अगर आप किसी चीज की तीव्र इच्छा करते हैं तो आपका मन हमेशा उसी पर होगा। अभी अगर आप कप की इच्छा करें तो यह गलत होगा। जब आप मैदान पर हो, लक्ष्य गोल करने का होना चाहिए, है ना? अब आप कप की इच्छा कर सकते हैं, पर एक बार जब आप मैदान पर होते हैं तो आप बस गोल गोल और गोल की इच्छा रखें और कुछ भी नहीं। एक बार आपकी इच्छा मजबूत हो जाए तो आपका शरीर और मन अपने आप उस दिशा में आगे बढ़ता है ना? आप जिसकी चाह रखते हैं आप वहीं जाते हैं। अगर इच्छा खत्म हो जाए तो आप मन को वहां नहीं रख सकते, तो आपको बस अपने अंदर इच्छा को विकसित करना होगा। अगर सिर्फ गोल करने की इच्छा हो then you don't have to worry about mental focus. That's where the mind will be. तो आपको मन को फोकस करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मन उसी दिशा में जाएगा। क्या कोई आपके मन को आपकी इच्छा से दूर ले जा सकता है? क्या कोई आपके मन को आपकी इच्छा से दूर ले जा सकता है? जिस चीज की आप इच्छा करते हैं आपका मन स्वाभाविक रूप से वहीं जाएगा, है ना? तो योग इसमें कैसे मदद करता है? देखिए, शरीर और मन कौन से आसान पैरामीटर्स पर काम करते हैं? ये एक पेचीदा मशीन है। इस धरती पर यह सबसे जटिल मशीन है। इंसानी शरीर और मन सबसे विकसित मशीन है ना? हमने जो कुछ भी बनाया है वह इसी मन से निकला है। तो यह मन एक जटिल यंत्र है, बहुत ही जटिल। तो इसलिए अगर आप कुछ भी गलत करते हैं तो मन अपने अंदर कई भ्रम पैदा कर लेगा। कुछ आसान तरीके हैं, एक सरल तकनीक है जिसकी मदद से आप अपने मन को स्पष्टता की स्थिति में रख सकते हैं जहां ये बस देखता है। यानी आप अपने मन को आईने की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो ये आपको बस वो दिखाता है जो मौजूद है, कुछ और नहीं। जैसे ही आपका मन कई चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेता है, अब आप एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। अब आप कुछ और बन जाएंगे क्योंकि अब आप सारा इतिहास पढ़ रहे हैं। भारतीय हॉकी का गौरव, उसकी गहराई, सब कुछ आपके मन में चलेगा। अब आप हॉकी नहीं खेल पाएंगे, आप खेल को वैसा नहीं देखेंगे जैसा वो है। मन को एक शीशे की तरह रखना सीखें। Where it simply shows you what is there in front of you, without any distortion. जहां ये आपको बिना कुछ गलत दिखाए सिर्फ वही दिखाए जो आपके सामने मौजूद है। जब कुछ गलत नहीं दिखेगा तो आप अपनी बेहतरीन क्षमता के अनुसार चलेंगे, है ना? अगर अभी आप इस फर्श पर चल रहे हैं और आपकी नजर में कोई खराबी नहीं है, आप सब कुछ साफ देख सकते हैं, तो आप अपनी पूरी क्षमता से जाएंगे, है ना? आपकी नजर में ही अगर कोई खराबी है तो आप बेकार में इधर उधर ठोकर खाएंगे। तो आप में जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है, अगर उसे पूरी तरह से व्यक्त होना है तो ये तब हो पाएगा जब आपका मन बीच में ना आए, चीजों को बिगड़ा हुआ ना दिखाए, या आपको हर चीज वैसे ही दिखाए जैसी वो है। तो योग का पूरा सिस्टम इसी पर केंद्रित है, एक आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए जिसका इस्तेमाल खेल में भी किया जा सकता है, कि मन आपको हर चीज वैसे ही दिखाए जैसी वो है, किसी और रूप में नहीं, और ना ही वैसे जैसी आप सोचते हैं।